यूट्यूब में जाकर सिटी न्यूज पलामू को सब्सक्राइब करें व बेल आइटम को दबाकर परमंडल की ताजा खबर पाएं सबसे पहले सबसे आगे। रविवार को किसान दिवस के अवसर पर सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत सीआरपीएफ 134 वाहिनी की ओर से डाल्टनगंज जिले कॉलेज के निकट कैंप परिसर में बीज वितरण कार्यक्रम सह परिचर्चा का आयोजन किया गया। बीज वितरण कार्यक्रम में जागरूक किसानों को विभिन्न प्रकार की सब्जियों के बीज वितरित किए गए। इस अवसर पर मौजूद बटालियन कमांडेंट ने बताया कि किसान खेती कार्य से विलग्न हो, इसके लिए सीआरपीएफ की पहल पर बीज किसानों को मुहैया कराए गए हैं। अगले 3 माह के बाद फसल तैयार होने पर सब्जियों की बिक्री हेतु किसानों को अन्यत्र जाने की जरूरत भी नहीं है। सीआरपीएफ कैंप में ही किसानों के उत्पाद रख लिए जाएंगे। वहीं कृषि अनुसंधान केंद्र चियांकी से जुड़े डॉक्टर ए के सिन्हा ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी के जन्म दिवस को हर वर्ष किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। कहा कि जय जवान, जय किसान और जय विज्ञान हमारे देश के विकास का मूल मंत्र है। इसी को लेकर किसानों के हित में उनकी इनकम दुगनी करने के उद्देश्य से लगातार कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। कार्यक्रम के बारे में हमारे आदरणीय श्री संजय आनंद लाठकर पुलिस महानिरीक्षक झारखंड सेक्टर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के मार्गदर्शन में किसान दिवस के अवसर पर हमने अभी अपनी सभी कैंप लोकेशन से हमने 10-10 किसानों को यहां पर बुलाया है। उनके लिए कार्यशाला आयोजित की जा रही है, उनको हम बीज का वितरण करेंगे और आज के दिन जहाँ हमारे कैंप लोकेशन है वहाँ पर श्रमदान किया जाएगा। किसान भाइयों के लिए जो सॉयल टेस्टिंग की भी हम व्यवस्था कर रहे हैं और इसके साथ साथ उन्हें कृषि से संबंधित फिल्म और वीडियो दिखाएंगे जिससे उनको जानकारी बढ़े। और इस सब के साथ साथ जो हम बीज वितरण कर रहे हैं वो 2 से 2.5 महीने के बाद 3 महीने के बाद जब सब्जियों की पैदावार होगी तो वो हम अपने कैंपों में बाजार के रेट में उनको खरीदेंगे जिससे उनको रोज़गार मिलेगा और उनको फ़ायदा पहुंचेगा। और इस सब में हमारे डॉक्टर अशोक कुमार जो कि जोनल रिसर्च सेंटर से हैं वो हमारा सहयोग कर रहे हैं। उनके सहयोग से आज इस किसान दिवस पर का ये आयोजन किया। आज जो किसान दिवस के रूप में हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं इस हॉल में और इस किसान दिवस के उपलक्ष्य में आज ये हम किसान भाइयों से बताना चाहेंगे कि इस किसान दिवस का महत्व क्या है, क्या इस किस उद्देश्य से आज किसान दिवस मनाया जाता है, 30 दिसंबर को ही किसान दिवस क्यों मनाया जाता है। आज इस हॉल में इस विषय पर काफ़ी चर्चा होगी। और दूसरी चर्चा ये है कि हमारे किसान भाई जो खेती करते हैं वो फायदेमंद नहीं हो रही है, डबल इनकम की बात हो रही है, तो डबल इनकम कैसे हम किसान भाई को करेंगे उस पर विशेष चर्चा होगी। क्योंकि किसान और कृषि विज्ञान केंद्र में एक अच्छे संबंध है, हमारा कृषि विज्ञान केंद्र सतत इसके उत्थान के लिए, किसान के उत्थान के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहती है। इसलिए आज हम किसान दिवस के उपलक्ष्य में ये चर्चा खासकर लोगों के साथ करेंगे, किसान भाइयों के साथ भी करेंगे, क्योंकि हमारे आज जो किसान भाई खेती के तरफ से मुँह मोड़ते जा रहे हैं वो किसान भाई आज जागरूक हों, क्योंकि आज जो है किसान भाई के सम्मान में ही आज ये 23 दिसंबर को ये प्रोग्राम चलता है। और ये 23 दिसंबर का जो प्रोग्राम है हमारे देश के जो माननीय प्रधान 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है। तो इस इम्पोर्टेंस को भी बताना है किसान भाइयों को क्यों ये किसान दिवस मनाया जाता है और इसका क्या इम्पोर्टेंस है, क्या इसका उद्देश्य है, ये सब पर चर्चा काफ़ी आज होगी। ये प्रोग्राम करीब 2-3 घंटे की चलेगी और इस 2.5-3 घंटे में हम लोग किसान से भी काफ़ी अपने साइंटिफिक प्रोग्राम को भी चलाएंगे कि जो किसान के पास जो प्रोग्राम जाना चाहिए कौन टेक्निकल प्रोग्राम जिससे कि आपको इनकम जनरेशन का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो वो हम आज इस परिचय में चर्चा करेंगे। आपका परिचय? मैं डॉक्टर अशोक कुमार सिन्हा, कृषि वैज्ञानिक, कृषि विज्ञान केंद्र चियांकी से।